तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप जब 16 मीटर रनिंग करते हो, आपकी स्टार्टिंग जब प्रैक्टिस करते हो आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। आप रनिंग करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, आप दौड़ ही नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले दोस्तों सीधी सी बात है, आप जब ग्राउंड पर आ जाते हो, अगर आप बिल्कुल नए हो दोस्तों, आपको ग्राउंड पर आ जाने के बाद आप डायरेक्ट रनिंग चालू करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों 100% आपकी सांस फूल जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ग्राउंड पर आने जाने के बाद नॉर्मल आपको वार्म एक्सरसाइज करना चाहिए सबसे पहले। और मैंने हर एक वीडियो में देखो, मैंने हर एक वीडियो में अच्छे से बताया कि आपको किस तरह प्रैक्टिस करना है, किस तरह स्टार्ट करना है। तो जो वार्म एक्सरसाइज की वीडियो है, जो ABC एक्सरसाइज की वीडियो, वो दोस्तों चैनल पर जाकर देखो, मैं आपको अभी बता दूँ किस तरह प्रैक्टिस करना है। तो ग्राउंड पर आना है, अच्छे से वार्म एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको 10 या 15 रनिंग करेंगे, ABC एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्राइड लगाएंगे। ऐसे आपको 10 या 12 दिन करना है, इससे आपको 10 या 12 दिन करना है, और उसके बाद आप अच्छे से आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, और इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपकी सांस कभी नहीं फूलेगी और आप अच्छे से वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये पहली बात होगी। नेक्स्ट, आप ग्राउंड पर आ जाने से पहले, जब आप ग्राउंड पर आ जाते हो, उससे पहले आप ग्राउंड पर अब जाते हो, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में अगर एनर्जी होगी तभी भी आप बहुत अच्छे से दौड़ सकते हो। अगर आप कुछ भी खाते नहीं प्रैक्टिस से पहले आप ग्राउंड पर आ जाते हो तो 100% आपको सांस फूलेगी। क्योंकि हमारे शरीर में अगर आप ग्राउंड पर आ जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए, मैं आपको ये बता दूँ। ग्राउंड पर आ जाने से पहले आपको 30 या 40 मिनट पहले आप दोस्तों जो गुड़ होता है, गुड़ को आप पानी के साथ ले सकते हो, नहीं तो आप रात पर, आपको रात को क्या करना है, आपको रात को चने और मूँगफली उसको आपको 50 से लेकर 100 ग्राम तक आपको भिगो कर रखना है, और उसमें आपको दोस्तों आपको थोड़ा खाना है, उसका जो पानी है उसको भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको 30 या 40 मिनट के बाद आपको ग्राउंड पर आ जाने पर प्रैक्टिस करना है, तो क्या होगा आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी रह जाएगी और आप अच्छे से वर्कआउट भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको अगर बहुत ज़्यादा आपकी सांस फूलती है और आपको स्टैमिना बढ़ाना है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़ा नॉर्मल आपको वर्कआउट बता दूँ। उसके लिए दोस्तों आपको स्लो फास्ट करना चाहिए, आप जो रनिंग करते हो उसमें दोस्तों आपको स्लो फास्ट करना है। आपको क्या करना है, 100 मीटर फा जाना है, आप यहाँ पर राउंड देखो, यहाँ पर 400 मीटर राउंड है, यहाँ पर दिखाओ, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 100 मीटर फा जाना है, और उसके बाद वो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से बिल्कुल स्लो 100 मीटर स्लो जॉइन करना है, फिर 100 मीटर फा जाना है, फिर स्लो जॉगिंग करना है। इस तरह से आप 10 या 15 मिनट करेंगे, नहीं तो आप 8 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद 5 मिनट से लेना, उसके बाद 8 मिनट करेंगे। ऐसे आपको वीक में 2 बार करना है, इससे आपका स्टैमिना बहुत बढ़ जाएगा और आपकी जो सांस फूलती है वो भी कम हो जाएगा।